ये वाला सेशन बहुत छोटा है मेरे ख्याल में, 15-20 मिनट, 7 स्लाइड्स है। जस्ट देखना यह है कि क्या जो काम अभी हमने देखा कि फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर के जरिए या किसी रूल बेस्ड सिस्टम के जरिए हम जो काम कर सकते हैं, क्या वो काम मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में एन लर्निंग का एन मिसिंग है। तो मशीन लर्निंग किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटेशन में आजकल दो तरीके मौजूद हैं, या तो आप रूल बेस्ड सिस्टम बनाएं या फिर आप उसके लिए एक मशीन लर्निंग सिस्टम बनाएं। तो फाइनाइट स्टेट ट्रांसड्यूसर एक रूल बेस्ड तरीका है कि अगर आपको सारे रूल्स पता हैं और आपकी लैंग्वेज बहुत रेगुलर है तो आप उसके लिए रूल बेस्ड सिस्टम बना दें। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपको सारे रूल्स नहीं पता होते, या आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, या आपको लैंग्वेज जानते ही नहीं। मुझे चाइनीज के लिए बनाना पड़ रहा है या मुझे पश्तो के लिए बनाना पड़ रहा है, तो उस जबान के लिए फिर मैं क्या करूं? वहां फिर यह है कि हमें मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है। तो मशीन लर्निंग के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं ये हमें देखना है, और कौन कौन से दो चीजें मौजूद हैं, कौन से डेटा सेट्स अवेलेबल हैं वो देखना है। अच्छा, इस रिगार्ड में शेयर टास्क का आइडिया ये होता है कि आपको मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ वर्कशॉप्स होती हैं और उनमें शेयर टास्क अवेलेबल होते हैं कि एक ही डाटा सेट तमाम लोगों को दे दिया जाता है और कहते हैं कि आप अपना मशीन लर्निंग सिस्टम इस डाटा सेट पे बनाएं, ताकि बाद में इवेल्युएशन हो तो एप्पल्स को ऑरेंज के साथ मैच ना करना पड़े, बल्कि एक ही तरह की चीज़ें मैच हो रही हों कि एक ही डाटा सेट पर मेरा सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है और आपका सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है। तो नॉर्मली वो ये करते हैं कि आपको ट्रेनिंग सेट और डेवलपमेंट सेट दे देते हैं ताकि आप उस पर ट्रेन करके डेवलप कर दें। टेस्ट सेट बिल्कुल सबमिशन से चंद दिन पहले रिलीज करते हैं कि आप अब जो आपने सिस्टम बना लिया है और डेवलपमेंट सेट से उसे स्टेबल कर दिया है। डेवलपमेंट सेट नॉर्मली हाइपर पैरामीटर सेट करने के लिए या एक तरह के रिहर्सल के लिए होता है, तो वो उसके बाद अब आप टेस्टिंग सेट पे करते हैं। तो इसका जो सबसे मशहूर चल रहा है वो सिग्मॉर्फोन है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ ACL फॉर मॉर्फोलॉजी मॉर्फ, और फोन जो है फोनोलॉजी। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ये हर साल तकरीबन कोई ना कोई कंपटीशन करवाता है जिसमें के लिए डेटा सेट अवेलेबल होता है। इस साल के लिए क्या था, अप्रैल में इसकी कोई लास्ट डेट थी, 2020 वाली, वो तो गुजर गई है। अगले साल आप देखिएगा कि इसमें किसी में कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर ले, कि ग्राफीम से फोनीम में कन्वर्ट करना है। जो कुछ अभी जैसे मैंने कैट वाली एग्जाम्पल पहले दी थी कि अगर मैं कैट लिख रहा हूँ तो कैट के फोनीम्स क्या होंगे, IPM उसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस तरह से कर लूँ, मैं बिल्ली लिख रहा हूँ तो उसके फोनीम्स IPM में क्या होंगे, ये कन्वर्ट करने के लिए लर्न करें। लेकिन लर्न किसी एक लैंग्वेज के लिए नहीं करें, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जो 20, 25, 40, 100 लैंग्वेजेस पे चले, तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का डाटा देता है। या अनसुपरवाइज इंडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी को अनसुपरवाइज लर्न कर ले कि आपको सिर्फ एक कॉर्पस दूं मैं, टेक्स्ट दूं, और वो कहे कि इस टेक्स्ट में जो जबान भी इस्तेमाल हो रही है उसकी मॉर्फोलॉजी लर्न कर लो। और इसकी एग्जाम्पल अभी हम थोड़ी देर में देख रहे हैं। इसी तरह से इससे पहले हो रहा है कि आपको इस वर्ड दिया, उससे उसने उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जनरेट कर दें, कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपको कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा। जो लड़के के दो आए थे, लड़के नॉमिनेटिव सिंगुलर भी हो, नॉमिनेटिव प्लूरल भी होता है, और लड़के दूसरी चीज भी होती है, तो लड़के आए भी होता है प्लूरल और लड़के ने कहा ये सिंगुलर, तो इसमें से कौन सा वाला हमें यूज करना है, प्लूरल वाला या सिंगुलर वाला। तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड री इन्फ्लेक्शन, ये जो दूसरा वाला 2019 है इन्फ्लेक्शन, ये भी थे। तो ये चैलेंज है, यानी ये चैलेंजेस रखे में आप ये भी देख सकते हैं कि पहले लोगों ने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। इसमें मेरे समझ में नहीं आता, मशीन लर्निंग पढ़ने बैठे तो वो पूरा कोर्स है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जनरली या तो फीचर बेस्ड अप्रोच होती है, नाइव बेस की तरह कुछ अप्रोच अप्लाई कर रहे होते हैं, या नॉर्मली ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस ट्रांसलेशन हो रही होती है, तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल LSTM वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी में आपके पास, अब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो उन लोगों ने अच्छे रिजल्ट बनाए हैं उनके पेपर्स भी पढ़े हुए होंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से इस वक्त प्रोमिसिंग मेथड्स हैं मॉर्फोलॉजी के लिए और इंडक्शन के लिए।
ये एक एग्जाम्पल जो स्टेबल हो चुकी है और ये कई साल से, मतलब मेरे ख्याल में 10-15 साल से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है लिंग्विस्टिक का, जो अनसुपरवाइज लर्निंग फ्रॉम कॉर्पस है। तो आप अनसुपरवाइज लर्निंग कर सकते हैं कॉर्पस के थ्रू, वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, इस यूआई के साथ भी मौजूद है ये, इसको क्या होगा, यूआई भी मौजूद है और इसकी पाइथन लाइब्रेरी भी मौजूद है। तो अभी हम पाइथन लाइब्रेरी चला के देखते हैं। तो इसकी पाइथन लाइब्रेरी चला के देखते हैं लिंग्विस्टिक का, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल हो गई। इसके बाद इंस्टॉल करनी चाहिए तो आपने इंस्टॉल कर ली यहाँ पे। गूगल कोलैब का एक नुकसान ये होता है कि हर दफा आपको लाइब्रेरीज दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, लेकिन फायदा ये होता है क्योंकि ये क्लाउड से क्लाउड पे ही इंस्टॉल हो रही होती है तो बहुत फास्ट होती है, तो हमें तो बस बटन क्लिक करने के साथ साथ ही हो जाती है। उसके बाद मैंने ये अपना कॉर्पस गूगल ड्राइव में रखा था, जो मैंने पिछली दफा एक दफा ईमेल पे भी शेयर किया था कि CLT20 में जो छोटा सा कॉर्पस शेयर किया था वही शेयर है ये, क्योंकि ये वक्त में एक लाइब्रेरी एक फाइल पे चलता है तो हम उसमें से एक फाइल डिलीट करेंगे। तो गूगल ड्राइव इनेबल कर दी मैंने अपनी, आप अपने डाटा जहाँ पे भी रखेंगे तो वो गूगल ड्राइव पर है तो आप उसे माउंट कर लें। माउंट करने का तरीका ये होता है, ये उसका कोड है, ये माउंट हो गई। उसके बाद अब मैं इसे रीड कर रहा हूँ, तो लिंग्विस्टिका का एक को इम्पोर्ट करवाया एलेक्से के जरिए, ये उसी की सैंपल एग्जाम्पल है, मैंने कॉपी पेस्ट की है। और उसके बाद रीड कॉर्पस के जरिए कॉर्पस रीड कर दिया, तो कॉर्पस जो है वो गूगल ड्राइव से रीड कर रहा हूँ। तो इस बात पर CLT20 के कॉर्पस में मिशकात की जो दूसरी फाइल थी मेरे पास, वो मैंने ये दूसरी जिल्द थी वो लोड कर दी। छोटा कॉर्पस है तो रिजल्ट अच्छा भी नहीं आएगा, कोई बड़ा कॉर्पस होता तो रिजल्ट अच्छा आ जाता जल्दी में, बस मैंने जो चीज़ क्लाउड पे अवेलेबल थी वही रीड कर ली। अच्छा, इसी तरह से हम इसमें वर्ड लिस्ट भी रीड कर सकते हैं। तो आपके पास वर्ड 50,000 वर्ड्स की, 2,00,000 वर्ड्स की अगर लिस्ट पड़ी हुई उर्दू की, तो आप वो वर्ड लिस्ट ऐड कर दें। इसके आगे कुछ पैरामीटर्स हैं, या तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे चलें या पैरामीटर सेट कर लें। अफिक्स लेंथ यानी प्रीफिक्स या सफिक्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2, 3, 4, तो अभी मैंने 2 सेट कर दी है, इसे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट शायद 4 है। स्टेम की लेंथ मिनिमम क्या होगी, यानी वर्ड जो रूट वर्ड बचेगा, रूट बचेगा या स्टेम बचेगा, उसकी मिनिमम लेंथ मैंने अभी 3 सेट की हुई है। सिग्नेचर, सिग्नेचर पैराडाइम है तो वो पैराडाइम के लिए कम से कम आपके पास कितनी एग्जांपल चाहिए, तो कम से कम 3 एग्जांपल चाहिए। सिग्नेचर क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। तो हमने कॉर्पस रीड किया, कॉर्पस रीड हो गया। अब प्रॉपर्टीज जो हम सेट कर सकते हैं वो ये हैं, अफिक्स लेंथ, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने टोकन्स वो डील करें, तो 15,000 मैंने कह दिया डील करने, तो ये आप इसकी हेल्प में से जाके देख सकते हैं कि क्या है। अब उसके बाद उसने जब रीड कॉर्पस किया तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग खुद स्टार्ट कर दी, उसमें उसने लर्न कर लिया अफिक्सेस। तो एलेक्से ऑब्जेक्ट डॉट अफिक्सेस मैंने कहा तो उसने ये अफिक्सेस मौजूद हैं। इसमें टोकनाइजेशन का मसला था क्योंकि टोकनाइजेशन उसने इंग्लिश के तरीके से की है, तो हमारे पास अगर उर्दू का या अरबी का कॉमा लगा हुआ था तो उसने उसे वर्ड का पार्ट ही रहने दिया। अगर हाइफन, अगर उसके पास सिंगल कोट अरबी का लगा हुआ है तो वो उसने उसका पार्ट रहने दिया। तो उर्दू के लिए करने के लिए बेहतर यह है कि हम पहले अपने कॉर्पस को उर्दू के हिसाब से टोकनाइज करें, उसमें से पंक्चुएशंस को अलहदा कर दें, उसके खास तरीका उस पंक्चुएशंस को अलहदा अलहदा कर दिया और फिर डील करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये कुछ चीज़ें इसमें गार्बेज आ गई हैं, कुछ नल करेक्टर्स भी इसमें। तो ये अफिक्सेस उसने बताए हैं कि उर्दू में जो पॉसिबल अफिक्सेस हैं जो उसने यहाँ से लर्न किया है, वो नल हो सकता है यानी कोई अफिक्स ना हो, कॉमा हो सकता है, हमजा आखिर में आ सकता है, नून ये आ सकता है, अलिफ, आत, रे, लाम, वाव, काफ, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, एंड सो ऑन। तो ये अफिक्सेस उसने लर्न किए। तो एटलीस्ट मैं बलोची को करने जाऊँ तो मैं
बलोची कॉर्पस लेके उस पर ये लर्न कर लिया और ये अफिक्सेस आ गए, फिर मैं लिंग्विस्ट से पूछूं कि इसमें से ये अफिक्स है या नहीं है, है तो उसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, हम डिस्कस कर लें। उसके बाद जब दूसरी चीज अफिक्सेस के बाद ये सिग्नेचर्स भी करता है, सिग्नेचर इज सेट ऑफ अफिक्सेस, यानी जिस तरह से ये नमूना औरतें वाली एग्जाम्पल थी, औरत औरतें औरतों, ये जो आपके पास ये वाली एग्जाम्पल नजर आ रही है, तो हमारे पास एक सेट ऑफ अफिक्सेस हैं जो औरत पर या फेमिनिन पर अप्लाई हो रहे होते हैं, फेमिनिन नॉर्मल स्टैंडर्ड फेमिनिन फॉर्म पे अप्लाई हो रहे होते हैं। ये तो नल लगा हुआ होगा तो औरत से औरत ही रहा, मेज से मेज रहा, टूरल लगाना है तो मेज से मेजे हो गया, औरत से औरतें हो गया, और इसी तरह से औरतों और मेजों दूसरी फॉर्म हो गई। तो ये इसने पैराडाइम्स भी जिसे ये सिग्नेचर कहता है वो भी लर्न कर लिए, तो ये ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता है। आपके पास जितने ज्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल हो वो अच्छा है, और कुछ हमें हाइपर पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स है वो सेट करने होंगे। सिग्नेचर टू स्टेम उसने आपको बता भी दिया, जैसे कॉमा वाला एरर तो अबू बकर के बाद कॉमा आ रहा था, अबू दाऊद के बाद कॉमा आ रहा था, तो ये इसने कर दिया था। सेगमेंटेशन एरर उसने देख लिए कि जाइए के बाद था आ रहा था, जाइए के बाद कॉमा भी आता है, फुल स्टॉप भी आता है और था भी आता है, क्योंकि अक्सर हम सेगमेंटेशन में स्पेस के बगैर अगला वर्ड लिख देते हैं, तो ये भी उसने लिख दिया। तो फिर ये वबा कजा और दुआ इस तरह से भी लिखा जाता है, नल यानी इनके बाद नल होता है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि उनके बाद कॉमा और वो हमजा हो, कुछ गलत भी लिख रहा है, जैसे लाम कुछ नहीं है लेकिन जंग से जंगल, दलील दिल्ली से दलील, नाज से नाजिल, तो ये गलत एनालिसिस है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में गलत एनालिसिस भी हो सकता है। तो एक काम ये भी है कि कोई इसे किसी और तरीके से गलत एनालिसिस को माइनस करने के मुताबिक सोचे कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। आफत वाव नमूना लगाने से आफत से आफतों, ऊंट से ऊंटों, भाई से भाइयों, ये सारी चीज़ें मिल गई। तो और इसी तरह से वाव नमूना वाली चीज़ें, सूरतें सुन्नतें सुन्नतों, रिवायतें रिवायतों, एंड सो ऑन। तो ये इसने कुछ चीज़ें लर्न की जो सही हैं, कुछ चीज़ें लर्न की जो गलत हैं। तो हम अगर किसी अननोन लैंग्वेज के लिए काम करना चाहते हैं तो उसका बड़ा सा कॉर्पस लेकर ये लर्न कर लें, और उसके बाद फिर उसके लैंग्वेज से वो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर से पूछें, भाई आपके ख्याल में ये एग्जिस्ट आपके यहाँ करता है नहीं करता, और उसे पे शॉर्टलिस्ट कर लें। तो अनसुपरवाइज लर्निंग मौजूद है और ये तकरीबन 15 साल पुराना काम है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और मॉडर्न काम अभी 2020 का ACL जब हो चुकी है मेरे ख्याल में, तो ACL की वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हैं कि मौजूदा दौर में लोगों ने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए क्या किया, वो जो शेयर टास्क था। अच्छा, दूसरी चीज आ गई मॉर्फेसर। मॉर्फेसर जो है एक ऐसा टूल है जिसे जो सुपरवाइज लर्निंग के लिए है, तो हम उसमें मॉर्फेसर का लिंक मैंने भेजा हुआ है, उसमें हम अपना ट्रेनिंग सेट दे सकते हैं कि हमने एक वर्ड दिया मेजो स्पेस मेज स्पेस के बाद मेज प्लस मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन प्लस नाउन प्लस नाउन प्लस मैस्कुलिन प्लस प्लूरल प्लस ऑब्लिक, ये लिख दिया मेजे मेजे इस मेज प्लस नाउन प्लस मैस्कुलिन प्लस प्लूरल प्लस नॉमिनेटिव, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स उसे दे दी तो वो ये वाले रूल लर्न कर लेगा। जैसे हमने लेक्सिकॉन में मेज दिया तो मेज से मेजे मेजों बना दिया, औरत दिया तो औरत से औरतें औरतों बना दिया, लेकिन अगर किताब हम उसे लेक्सिकॉन में नहीं लिखेंगे तो वो उससे किताबें किताबों नहीं बना पाएगा, लेकिन इस तरीके से वो लर्न कर लेगा तो वो हो सकता है ऑटोमेटिकली किताबें किताबों भी जनरेट करना शुरू कर दे। तो मशीन लर्निंग के लिए मॉर्फेसर यूज होता है जिसके अंदर मशीन लर्निंग सिस्टम्स मौजूद हैं, और ये भी इस तरह के शेयर टास्क हुए थे 10 साल पहले उसके रिजल्ट में बना है। अच्छा, इसके जो प्री ट्रेन मॉडल्स हैं उन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस में पे ट्रेन किया है जिसमें उर्दू भी शामिल है, और टूल है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट में इसके प्री ट्रेन मॉडल्स मौजूद हैं मॉर्फेसर के, जो उन्होंने उर्दू के ट्रेनिंग सेट से और दूसरे ट्रेनिंग सेट से ट्रेन किए हुए हैं, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलीग्लॉट यूज़ करना है
पॉलीग्लॉट यूज करने के लिए जब मैंने रन करके देखा तो नहीं चल रहा था, एरर्स दे रहा था। तो वही जो नेट पे सर्च करते हैं स्टैक एक्सचेंज वगैरह पे, पता चला कि आपको ये चीजें ना इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तो फिर पॉलीग्लॉट चलेगा उर्दू वाला खासतौर पर। तो जस्ट ये जो दो चार लाइने हैं, ये लाइब्रेरी सपोर्ट दे रहा है कि पॉलीग्लॉट किस तरह से चलेगा। ये मैंने नेट पे सर्च किया था और जस्ट उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया कि ये चीजें आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर पॉलीग्लॉट चलेगा। उसके बाद फिर अब असल चीज आई कि पॉलीग्लॉट चलता किस तरह से। तो पिप इंस्टॉल पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट इंस्टॉल हो गया। मॉर्फेसर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है बस। उसके बाद असल चीज जो आई वो उर्दू मॉर्फोलॉजिकल उर्दू का ये जो उर्दू का मॉर्फोलॉजिकल डाउनलोड आपने कर लिया सिस्टम मॉर्फ 2.उर्दू, इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको और लैंग्वेजेस के लिए भी मिल जाएंगे। तो मॉर्फ 2 उर्दू उर्दू का मॉर्फोलॉजिकल मॉडल डाउनलोड कर दिया जो उसने सुपरवाइज्ड लर्निंग से लर्न किया है। अच्छा, वो लर्न करने के बाद अब हम उसे वर्ड्स देंगे तो उसको उसका मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर देगा। लास्ट डिक्शनरी नहीं बना रहा जिस तरह से हम फाइनल रिसर्च ट्रांसड्यूसर में बनाते हैं। तो कुछ वर्ड्स को वो जानता होगा, कुछ वर्ड्स को वो नहीं जानता होगा। बीच में कहाँ सेगमेंट करना है वहां पे हम बताते हैं कि लड़क के बाद सेगमेंट करना है, या हम नहीं बता रहे, वो सेगमेंट करना वो खुद ही सीख रहा है कि कहाँ सेगमेंट करना है। तो हमने प्रोसेस टेक्स्ट दिया, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, उन सबको डील कर दे। मैंने कुछ वर्ड्स स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स कर दिए, लड़कियां किताबें लड़कों मुल्कों शहरों गिरता गिरते लिखवाई लिखवाती, ये वर्ड्स है। इसे प्रोसेस्ड किया तो अब पॉलीग्लॉट ने इस पर मॉर्फोलॉजी उर्दू मॉर्फोलॉजी का मॉडल जो मॉर्फेसर से ट्रेन हुआ है वो अप्लाई कर दिया और रिजल्ट हमारे पास प्रोसेस्ड में आ गए। अब प्रोसेस में जो वर्ड्स पड़े हुए हैं हम उसे वन बाय वन एक्सेस करेंगे और वन बाय वन एक्सेस करने के बाद उसके मॉर्फीम्स प्रिंट कर देंगे वर्ड डॉट मॉर्फीम। तो जब वर्ड डॉट मॉर्फीम प्रिंट कर रहे हैं इसके लिए, तो अब आप ये देख सकते हैं लड़कियां को उसने गलत किया कि लड़ अलग काफ अलग और यहाँ अलग। इसका मतलब ये मॉर्फोलॉजी लर्निंग होती है तो वो काफ को एज अ यूनिट लर्न करने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है बहुत सारे इस तरह के वर्जन मौजूद होते हों कि एक वर्ड है उसके आखिर में काफ भी आ रहा है, उसके अलग फॉर्म भी है काफ भी आ रहा है। तो ये सरप्राइज है, लिंग्विस्ट को बैठ के सोचना चाहिए कि काफ क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आखिर में, यानी एक नॉर्मल वर्ड है और उसके साथ काफ भी यूज हो रहा है। हिंदी में तो है, जैसे जो गायक होता है गाना से गायक होता है तो हिंदी का तो एक रूल है, लेकिन उर्दू में ये नहीं है, लेकिन इसने लर्न किया है किसी वजह से। तो किताब को उसने लर्न किया, किताब में दो मॉर्फीम्स हैं, दो मॉर्फीम्स है किताब और ये नून गुना। मुल्कों को उसने रिकनाइज किया, मुल्क में दो मॉर्फीम है मुल्क और वाह नून गुना, शहर वाह नून गुना, गिरता गिरते लिखवाती। तो ये लर्न कर लिया। मल्टीपल हों इंग्लिश का देखें तो जो डीनेशनलाइजेशन वाली एग्जाम्पल मैंने दी थी तो उसमें वो चार पांच मॉर्फीम भी जनरेट कर देगा। तो कुछ बने हुए टूल्स मौजूद हैं, तो अगर मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बनाने का टाइम नहीं है तो जल्दी से इन दो तरीकों से बन सकता है और क्या आप इसे इस्तेमाल कर लें, वरना फिर यह है कि या तो ट्रांसड्यूसर बनाएं या इसे इम्प्रूव करें। तो यही था आइडिया। लिंग्विस्टिका हो गया था, असल में यह है कि ये चीजें मौजूद हैं, अब हमें क्या करना है, चैलेंजेस हमारे क्या है। मॉर्फेसर का लिंक मैंने दे दिया था। चैलेंजेस एक तो डेटा सेट बनाना है, क्योंकि लिंग्विस्टिका मौजूद है, चले वो तो अनसुपरवाइज मॉर्फेसर मौजूद है और बहुत सारे लोग जिन्होंने इस दफा के शेयर टास्क में हिस्सा लिया होगा उन्होंने अपने कोड गिटहब पे रख दिए होंगे। तो हमारे पास असल इशूज जो है वो है कि डेटा सेट अगर बना हुआ होगा तो उस पर वो चीज़ चल जाएगी, या लास्ट टाइम देखा था कि डाटा सेट सही बना हुआ हो वरना तो वो चलेगा ही नहीं। जो अभी डाटा सेट मौजूद था जिसमें आराम कर रहा हूँ सिंगल वर्ड था, जाहिर है वो तो फिर उस पर लर्निंग तो बेकार होगी। तो डाटा सेट्स बनाने हैं और दूसरा नॉन कॉन्कैटिनेटिव मॉर्फोलॉजी पे काम करना है।
ये जो भी काम हुआ था वो कॉन्कैटिनेटिव मॉर्फोलॉजी पे हुआ था। कॉन्कैटिनेटिव मॉर्फोलॉजी के नेशन के आगे नेशनल लगाए तो नेशनल बन गया, उसके आगे आईजेडी लगाए तो नेशनलाइज बन गया। किताब से कुतुब कैसे बनेगा और किताब से मखतूब कैसे बनेगा, ये एल्गोरिथम्स नॉर्मली अभी डील नहीं कर रहे होते। तो ये एक ओपन है, या इनमें से ज्यादातर डील नहीं कर रहे होते, तो इसमें एक ओपन वो है कि हम ये डील कर सकें। जो मैंने लास्ट टाइम फोल्डर शेयर किया था उसमें बिलाल खालिक का एक था पीएचडी थीसिस, जो उन्होंने किया था कि लिंग्विस्टिका ही का इक्विवेलेंट उन्होंने बनाया था अरबी के लिए कि वो नॉन कॉन्कैटिनेटिव मॉर्फोलॉजी को भी डील कर सके। तो एक इस तरह के कुछ काम किए जा सकते हैं। एक ये पूरी बेस ओपन है, आगे जाके भी जैसे फास्ट टेक्स्ट चलता है सेमेंटिक्स में, वर्ड एम्बेडिंग में, तो वो कॉन्कैटिनेटिव के लिए तो चलता है अरबी में, क्या में जहाँ किताब और मकतूब को डील करने के लिए फास्ट टेक्स्ट नहीं चलेगा क्योंकि काफ तेवे कभी भी साथ एक साथ नहीं आ रहे। तो फास्ट टेक्स्ट का अरबिक वर्जन, लिंग्विस्टिका का अरबिक वर्जन, मॉर्फेसर ये जो इस तरह से लर्निंग कर रहे हैं इसमें वो नॉन कॉन्कैटिनेटिव टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, तो ये पूरा मैदान अभी खाली है। 20% काम हुआ है, 80% काम होना बाकी है कि नॉन कॉन्कैटिनेटिव में किस तरह से करो। हमारे यहाँ तो बॉरोड वर्ड इतने हैं कि हमें मकतूब हमारे पास आता है, कुतुब हमारे पास आता है, ममालिक हमारे पास आते हैं, तो हम इसे किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो और कोई डिस्कशन? सर मुझे ये पूछना था कि जो भी अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड जो भी हमने दो चीज़ें देखी हैं, तो जो फीचर्स हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो इनमें नहीं होंगे या वो किस तरह से इसमें हम लर्न? अनसुपरवाइज्ड में तो हाँ फीचर्स, मॉर्फेसर जो है ये दोनों जो है ना ये फीचर्स पे डील नहीं करते। ये दोनों नॉर्मली क्या, अगर हम सर्च इंजन बना रहे हैं इनका एक काम हो सकता है ये हो कि हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वगैरह कर रहे हैं तो, और तो वर्ड्स पे नहीं कर रहे, तो वर्ड्स के उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें और उस पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कर ले। मेरे ख्याल में इनका फोकस अभी इस तरह के कामों पे ज्यादा है। फीचर्स के लिए फिर जो शेयर टास्क है सिग्मोफोन वाले उसमें मौजूद है। ठीक है, तो लेमेटाइजेशन में ये हेल्पफुल हो सकते हैं। लेमेटाइजेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं और लेमेटाइजेशन करके इन्फॉर्मेशन रिट्रीव, हाँ यानी हमें सिर्फ लेमा चाहिए तो उसमें हेल्पफुल हो सकता है। ज्यादा डीप एनालिसिस करना है तो फिर इन दो टूल्स में अवेलेबल नहीं है, वो जो शेयर टास्क के आउटपुट है उनको देखें उन, वो करते हैं फिर भी, या वैसे ही जो अपना यूनिवर्सल डिपेंडेंसी पार्सर, जब भी कोई डिपेंडेंसी पार्सर चलता है तो उसके साथ वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जनरेट करता ही है, तो अगर जस्ट हमें कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो वो वहां से भी मिल सकती है। ट्रेन करनी है तो फिर हमें ट्रेन मॉडल करने होंगे। अगर हमारे पास वो जिस तरह से लेक्सिकॉन थी यूनिमॉर्फ फॉर्मेट में कि सरफेस फॉर्म थी, रूट फॉर्म और प्लस फीचर्स थे, तो अगर हम फॉर एग्जांपल उसमें से सिर्फ सरफेस फॉर्म्स और रूट फॉर्म्स लेके तो कुछ करैक्टर बेस्ड एलएसटीएम्स को ट्रेन कर ले, तो मेरे ख्याल फिर भी कुछ लेमेटाइजेशन हो सकती है अनसीन वर्ड्स के लिए। सरफेस फॉर्म और रूट फॉर्म्स मौजूद है, हाँ उसके बाद एलएसटीएम को ट्रेन कर लें। हाँ जी, फिर वो जो अनसीन डेटा के लिए कुछ लेमेटाइज कर सकते हैं उसको, जो स्पेसिफिक हाँ मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो वो लर्न कर ही लेगा, और बिल्कुल हो सकता है। बल्कि उसमें एक और भी था कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो सही वाला प्रेडिक्ट करे, जो एक आ रहा था ना कि कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट भी देखे, तो हम उसका पिछला वर्ड और अगला वर्ड भी बता दें ताकि वो लड़के ने, लड़के के बाद अगर ने आ रहा है तो वो उसे नॉमिनेट वो सिंगुलर ऑब्लिक कहे, और लड़के के बाद अगर ने नहीं आ रहा और बल्कि कोई और वर्ड वगैरह आ रहा है तो फिर वो उसे प्लूरल कह दे, नॉमिनेटिव प्लूरल कह दे। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट वाले भी चैलेंजेस हैं कि वो सिर्फ एक आपको लाके दे कॉन्टेक्स्ट को देखकर, तो सिर्फ यानी
सरफेस फॉर्म और लॉजिकल फॉर्म मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देकर लर्न करवाना है, या सरफेस फॉर्म के साथ जो है वो आसपास के वर्ड्स भी दे दिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है और इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है। तो एक चैलेंज वो था कि आप कॉन्टेक्स्ट देख के फिर सही वाली फॉर्म लेकर आए। सेब लिखा हुआ है, सेब की तीन फॉर्म थी, तो तीन में से कौन सी फॉर्म? अरे वो तो अगर फीचर्स होंगे तो फिर है, अगर आप सिंपल लेमा गेस करना चाहते हैं किसी वर्ड का तो उसके लिए फिर अगर आपके पास फीचर्स नहीं भी हैं तो सिंपल वर्ड्स की बेस के ऊपर अगर लड़कों है तो वो भी लड़का पे आ जाएगा, लड़के है तो वो भी लड़का पे आ जाएगा। हाँ वो एग्जैक्टली इस तरह से कुछ। ठीक है, थैंक यू।